डोंट फियर, बिस्वानी इज हियर। बिस्वानी क्लासेस में मैं भी अनिल बिस्वानी स्वागत करता हूं आपका। रात के 8:30 बज रहे हैं और ये है बेहतरीन प्रैक्टिस का समय जिसमें लैंग्वेज और लिटरेचर के कुछ शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के मैं हाजिर हो गया आपके सामने। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द थिएटर ग्रुप दैट शेक्सपियर वर्कड विद मोस्ट ऑफ हिज कैरियर? लगातार अपने कैरियर में उसी थिएटर से जुड़े रहे, उस थिएटर का नाम आपको बताना है यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे अभी। चलिए, क्या ये क्वेश्चन हो गया था? नहीं हुआ था ये। अरे विजेता यादव, बहुत झक्कास चल रही है प्रिपरेशन। बिस्वानी सर के होते हुए हमारे बच्चों को किसी प्रिपरेशन की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4 घंटे तो वो मेरे साथ रहते हैं और इतना मैं काम देता हूं कि 3-4 घंटे और पढ़ना पड़ेगा, तो 8 घंटे के बाद प्रिपरेशन कैसी चलेगी आप खुद अंदाजा लगाइए मेरे बच्चे। शुभ संध्या भैया, विजेता यादव मैम, निकिता, सोनू वालिया, रजनी गंगवार, शिखा यादव, अनम अंसारी, शिखा आंचल, उमेश, परमजीत, जितेंद्र भैया और रजनी गंगवार के साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोग आ जाओ फटाफट। चलो, तो कौन सा है वो भाई? ए आ गया उत्तर, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, बिल्कुल यही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मुझे सामने से हटना होगा। क्वेश्चन है, जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका? कितना लगेगा समय जर्मनी से साउथ अफ्रीका जाने में, मुझे बताओ ना मेरे बच्चे। क्वेश्चन का आंसर दो ठक से। जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं? बोलो। नहीं, यहां आस्क्ड है इसलिए ये विल गलत हो गया, यहां वुड पहले आ गया इट के बाद, ये भी गलत हो गया। जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, ये सही है, टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका, जॉन वॉज आस्किंग, ये गलत हो गया, यहाँ वॉज आस्किंग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अरे सुनील, आप दास नहीं, आप मेरे भाई हैं, छोटे प्यारे से भाई हैं मेरे, आप दास मत कहिए अपने आप को, मैं एक अदना सा इंसान हूं और आप मेरे छोटे भाई हैं, बस इतनी सी बात है। और ये सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। और मैं बढ़ता हूं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये है, विच ग्रुप वॉज एट द बॉटम ऑफ द इंग्लैंड सोशल हायरार्की ड्यूरिंग शेक्सपियर्स अर्ली इयर्स? क्या नोबिलिटी थी, पीजेंट्स थे, योमैन थे, या द जेंट्री थी, अमीर लोगों का शासन था? क्या वो अमीर लोग थे? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, वहां हायरार्की, सोशल हायरार्की यानी जो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? क्या नोबिलिटी यानी श्रेष्ठ जनों पर, या पीजेंट्स यानी किसानों पर, या योमैन्स यानी श्रेष्ठ वर्क करने वालों पर, या जेंट्री यानी धनाढ्य लोगों का शासन था उस समय? ये कल हो चुका है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा होना है आज। ये which of the following best characterizes Elizabethan mask? नहीं, ये नहीं हुआ था, मुझे नहीं याद आ रहा ये हुआ था बेटा, ये नहीं हुआ था, ये तो करना पड़ेगा तुमको। which of the following best characterizes an Elizabethan mask? Elizabethan mask को सबसे अच्छा characterization कौन दे रहा है? ये भी हो गया था, बिल्कुल हो गया था, मुझे याद आ गया, हो गया था ये द मिनिस्टर, हाँ ये हो गया था, बेन जॉनसन, सिडनी, विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल ये भी हो गया था, इट वॉज इट इफ आई वर जुबिन वुड नॉट अटेंड।
ये वेडिंग कम व्हाट में ये हुआ था 97 के नहीं हुआ था बेटा मेरा, ये हुआ था कि नहीं बाबू, ये वाला 97 हुआ था कि नहीं, 97 हुआ था कि नहीं बेटा? इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम व्हाट में, कम व्हाट में, ये सेंटेंस क्या सही है कि गलत है? यहीं से चलो, यहीं से, कम व्हाट में, कम व्हाट में, चाहे जो कुछ घटित हो जाए। 97 से कराना है, हाँ तो ये कराओ ना, करार तो रहा हूं मैं, चाहे कुछ हो जाए। 97 का सी। अच्छा ये बताओ दीपमाला वर्मा कि 97 के सी में यानी इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? अटेंडेड द वेडिंग, इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम व्हाट में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बी में आप नहीं बता रहे हो प्रॉब्लम, आप सी में बता रहे हो कम व्हाट में क्या प्रॉब्लम है? रमेश द्विवेदी भैया ने बताया डी है 97 का दा। कम व्हाट में या व्हाट में कम? बिल्कुल सही है, वो वाट में कम नहीं, कम वाट में ये फ्रेज होता है और इसका मतलब है चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, यानी ये नो एरर है, डी बिल्कुल सही है। चलो अगला ये लो, हु इज द ऑथर ऑफ द उटोपिया, अरे क्या नालायकी कर रहे हो, हु इज द ऑथर ऑफ जो 1516 में लिखी गई थी, उटोपिया उसके राइटर का नाम क्या है? ये उटोपिया पहली बार उटोपिया नाम की कोई किताब इंग्लिश में लिखी गई थी जिसके राइटर का नाम आपको बताना है। चलो बता, बहुत इस समय सालक चल रही है, झमाझम बज रहे हैं बाहर। नहीं रॉन्ग नहीं है वो, सही है भाई, आपकी बात सही थी बेटा, ए बताया जा रहा है इसमें बेटा, इसमें कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ उटोपिया, तो थॉमस मोरे 1516 ईस्वी में इन्होंने उटोपिया नाम के एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर,
यानी राम राज्य था, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज न काहु ही व्यापा, यानी राम राज्य में किसी प्रकार को किसी प्रकार की ना तो दैहिक दैविक और न ही भौतिक ताप थे, ऐसी सिचुएशन को उटोपिया कहते हैं और राम राज्य कहते हैं। मेरी क्लास नहीं चल रही बेटा, क्या हुआ क्लास को? क्लास तो लपलप लपलप चल रही, बिल्कुल एकदम गजगज बजगज, बढ़िया तो चल रही। ये हो गया, चलो हो गया बेटा, आगे बढ़ो लल्ला मेरा, आगे आ जाओ। ये लो गला, द स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू दिस कैप ऑफ, टोपी उड़ा दी हवा ने तेज, थॉमस मोर, बिल्कुल सही है। ये वाला बताओ, अच्छा ये वाला बताओ, इंग्लिश ट्रांसलेट 1551 में इंग्लिश का ट्रांसलेशन हुआ था। हाँ बिल्कुल, पीके क्लासेस भैया, हाँ नो नो मैटर नो मैटर व्हाट हैपेंस, बिल्कुल यही। अब चल गई, चलो सबा खान, बहुत अच्छा है बेटा। विंड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ब्रीज के बजाय विंड होना चाहिए, क्योंकि विंड का मतलब तेज हवा होता है, और जो ब्रीज होती है ये मनोहारी ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है बहुत ही खुशगवार, खुशगवार यानी हल्की हल्की मध्यम मध्यम हवा चल रही, बिल्कुल गवार नहीं है, गवार है, बहुत आराम से धीरे धीरे मध्यम मध्यम। हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस और एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चर, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंजीत पांडे भैया आओ बेटा, खुश रहो भैया, हमेशा खुश रहो, खूब सारा खुश रहो। खुशबूदार ब्रीज हवा होती, बिल्कुल मध्यम हवा चलती है, ब्रीज का मतलब हल्का गुनगुनाने गुदगुदाने वाली हवा। हाँ बिल्कुल बेटा, सही शब्द दिया तुमने ज्योत्सना मौर्य, बिल्कुल सही शब्द है बेटा। और क्वेश्चन नंबर है 16 और इसका उत्तर आपको देना है कौन सा, क्या ये क्रिस्टोफर मार्लो ने ही लिखा था? हाँ बिल्कुल, ये 16 का यही है, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था डॉक्टर फास्टस की ट्रेजिकल हिस्ट्री, और ये बहुत फेमस हुई थी ट्रेजिडी जिसमें डॉक्टर फास्टस की डेथ होती है अंत में, ही और बहुत ही वो झेलता है, ही कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड दैट आई वाज अ थीफ, सो सस्पेक्ट था दैट आई वाज अ थीफ, सस्पेक्ट था वो, इसलिए 99 नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर दीजिए भाई। हाँ बहुत ठंडी खुशबूदार बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, प्रतीक खुश रहो बेटा, प्रतीक मार्लो ने, हाँ बिल्कुल मेरा प्रणाम। अरे अजोसना मौर्य आप खुश रहे हमेशा बेटा, विच वॉज रिटन एट लास्ट फॉर नॉलेज, यस बेटा शैलेंद्र त्रिपाठी स्वागत है आपका बेटा। इफ होगा क्या गुरुजी, मतलब कभी भी, क्या कभी भी, हमने कुछ नहीं कहा है, ही सस्पेक्टेड कैटेगरिकली, हाँ बिल्कुल, ये कैटेगरिकली जो है ये इस सस्पेक्टेड के बाद यूज होगा, बिल्कुल यही और कुछ भी नहीं इसमें गड़बड़ी, दैट यहां पर लगना चाहिए लेकिन सस्पेक्टेड की वजह से इफ लगना चाहिए यहां या वेदर लगना चाहिए, यहां पर दो एरर है इस सेंटेंस में, ये पूरा करेक्ट सेंटेंस करें तो ये हो जाएगा ही सस्पेक्टेड कैटेगरिकली इफ आई वॉज अ थीफ या वेदर आई वॉज अ थीफ, ये दो एरर थे इस सेंटेंस में, कहीं को दिक्कत हो तो हमको तुरंत बताना। इफ आई वर अ थीफ, यस आई वर नहीं बेटा, वाज ही होगा, यह हाइपोथेटिकल नहीं है बेटा मानवीर, वर नहीं होगा बेटा, हाँ बाद आएगा बिल्कुल। चलो बढ़िया, ये अच्छा दिया उत्तर आपने, मैंने दो आंसर दिए, दो उत्तर दिए थे इसमें। हु ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग शेक्सपियर्स रॉयल पैटर्न, इनका रॉयल पैटर्न कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिस हो जाते हैं लेकिन यहां नहीं मिस करना है बिल्कुल भी। नहीं नहीं लेट नहीं अंकिता, आ जाओ बेटा, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, माहौल बढ़िया है,
क्वेश्चन आज थोड़ा कम है, लेकिन इतने कम नहीं है कि आपका काम ना हो पाए, बढ़िया से काम चलेगा। Who of the following, कौन था इनका? ना जी लेट नहीं है आप, बढ़िया है, टाइम से है आप। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन, ब्लर है क्वेश्चन और तेरे की ये क्या हो रहा है? सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया बेटा, सही हो गया। नहीं नहीं सही, वो कभी कभी कैमरा थोड़ा नखरेबाजी करता है। यार तो डिस्टर्ब कर रहा, मैं पढ़ दे रहा हूं। हालांकि जेम्स, किंग जेम्स फर्स्ट, हेनरी, किंग हेनरी, क्वीन विक्टोरिया या किंग रिचर्ड, तो ये उत्तर और जल्दी तो 8:30 बजे शुरू कर दे, जल्दी शुरू उधर। आ तो रहा है लेकिन वो कुछ गड़बड़ कर रहा है कैमरा, नालायकी कर रहा है, पता नहीं क्यों नालायकी कर रहा है कैमरा मेरे साथ, डिस्टर्ब कर रहा है ये। अब तो सही है। तो ये कौन था बेटा? ये बिल्कुल किंग हेनरी था, बिल्कुल किंग हेनरी था। 17 नंबर क्वेश्चन का ए नहीं, बी नहीं, ए, ये ए सही है। किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट था बिल्कुल। आदावर जय मुसरत बानू मैम, चलो आगे। आदावर जाता तो मैं जान जाता हूं कि मुसरत बानू मैम ही है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास रूम द स्टूडेंट्स गॉट अप, बढ़िया है, फेमस है ये। क्वीन विक्टोरिया नहीं, ये हेनरी, किंग हेनरी था, हाँ बिल्कुल। खेल रहा है नालायक हमारे साथ, नहीं अब तो सही हो गया, अब सही है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो। जेम्स फर्स्ट, हेनरी नहीं, जेम्स फर्स्ट, हाँ बिल्कुल जेम्स फर्स्ट। आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ, यस क्वीन एलिजाबेथ उसमें थी नहीं, इसलिए किंग जेम्स फर्स्ट ही आया है। डायन आएगा बिल्कुल। नेटवर्क इशू है बट आज मेरी साइड नहीं, कोई नेटवर्क इशू नहीं, यहां पर डायन आएगा जो हमारा फर्स्ट क्लॉज खत्म होगा। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास रूम, यहां पर दैन आएगा, यहां पर आएगा दैन और कुछ भी नहीं, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कहता है हु वाज शेक्सपियर्स वाइफ, एलिजाबेथ मार्लो, जॉन शेक्सपियर, एन हैथवे या जूलियट शेक्सपियर। बिजलाल भैया आ गए, आओ भैया आओ आओ, दैन लगेगा, बिल्कुल दैन लगेगा, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ये पेपर कुछ आसान था ना इस बार, ये प्रैक्टिस वाला सेट। हाँ बिल्कुल, एन हैथवे बिल्कुल। ये रहा नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो बेटा अगला। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, नथिंग एल्स देन प्राइड, सेंटेंस नंबर 101। हाँ लिटरेचर ज्यादा इजी था ना इस बार, हाँ बिल्कुल, और ग्रामर भी ठीक ही ठाक था। और अगला देखते हैं क्या आता है। सीसी सीसी सी, सी, बट आएगा, हाँ बट आएगा, बट प्राइड देन नहीं, बट आएगा, और या एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या देन, बिल्कुल दोनों में से एक सही होगा। ये लो, Who was the queen of England throughout much of Shakespeare's early? अब आओ क्वेश्चन का आंसर दो। ये वाला आंसर वही होगा जो आपने बताया था, बिल्कुल यही होगा जो बताया था आपने।
वही वाला होगा इसमें। लेफ्ट राइट हाले गाना बज रहा है, बाहर शादी है ना कोनो की, लेकिन थोड़ा दूर है तो उनको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ज्यादा, बस गाना सुनाई पड़ रहा है। एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा। टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पीलिंग ऑफ बेल्स इज अ मोनोटोनस जैंगल एंड अ न्यूसेंस tolerably only when mitigated by remote distance and sentimental association. Baniya sentence hai ye. To the ordinary man. And in fact, the pealing of bells is, pealing है यहाँ, is a monotonous jangle and a nuisance. Nuisance माने होता है बहुत ही nuisance create करना, शोर शराबा, शोरगुल, problem. Tolerably only when mitigated, mitigated माने होता है घटाना, किसी चीज को कम कर देना. By remote distance. फंस गई प्रॉब्लम यहीं पे, आ गई गलती ही। रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशन, क्वेश्चन नंबर 102। इसको बता पाओगे कि नहीं, इसको बता पाओगे? सर जी सुना दीजिए सॉन्ग। सॉन्ग सुना देना लायक, हम तो वही गाते हैं, टीजीटी नौकरी वाला गा के सुनाएंगे ना, अभी अभी गा के सुनाएंगे फिर जाएंगे, जाने से पहले गाना सुनाएंगे। When, देखो बेटा बात समझो ना ना, सबका गलत हो रहा है, सबका गलत हो रहा है, अनाथ में हो गया ये, सबका गलत हो रहा है। रिमोट और डिस्टेंस दोनों एक ही शब्द है, ये रिमोट और डिस्टेंस दोनों, बाय रिमोट डिस्टेंस क्या होता है, रिमोट भी तो दूर की बात होती है। हाँ तो रिमोट और डिस्टेंस दोनों एक साथ नहीं होंगे, रिमोट एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशन हम बता तो दिए, ये बता दिया, रिमोट और डिस्टेंस दोनों सेम थिंग है, इसलिए नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो सुनो गाना और निकल लो चुपचाप सोना जाके। पीजीटी की नौकरी हम सबको चाहिए, एलटी ग्रेड की नौकरी हमको सबको चाहिए, रोज सपनों में आती है नौकरी हमारे और कभी हमको मिलती नहीं, मिलेगी एक बार जब बिस्वानी क्लासेस का साथ जुड़ेंगे, मगर आपके दिल से ये आवाज निकलती है क्या, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, हे नौकरी मैया, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। और आगे आप जानते हो क्या कहते हो, नौकरी को ध्यान में रखते हुए, किसी लड़की का नहीं, नौकरी का ध्यान रखते हुए, क्या, रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, भोलेपन में वफा की खुशबू, जवानी सारी बीती जा रही है मेरी, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, हाल दिल समझो सनम, कहेंगे मुंह से ना हम, हमारी भी कोई मर्यादा है, तो ये नौकरी मैया मिल जाओ हमको बस, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो,
बख्शीश नहीं हमको चाहिए भाई, देखो ये तुम्हारे मनोरंजन के लिए था, अब रिवाइज करके और हंसते मुस्कुराते मेरी क्लास से निकल के चुपचाप जाके सो जाइए, और फिर मिलता हूँ सुबह की 7 बजे की क्लास में, जो है नॉर्मल लेवल्स की, अगला सेशन 21 नंबर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं कल सुबह। और बस इसी गाने के साथ और आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जान, थैंक यू।